हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं ग्रैनी चैप्टर 3। तो आज हम इसमें खेलने जा रहे हैं ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों के साथ। और आज मैं इंट्रो भी स्किप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि भाई रात के टाइम पे इसका घर कितना ग्रैनी का डरावना लगता है। और देखो अभी देखो स्टोरी लाइन में क्या हो रहा है। मैंने गेट खोला और देखो ये जो कैमरा है ना, जब हम ऊपर हम वो लगाते हैं ना एक फ्यूज, हाँ तो ना वहाँ से जो कैमरा है इसको देखता है, ये वही कैमरा। और पक्का अभी इसमें ग्रैनी हमें देख रही होगी, और फिर जैसे हम सामने वाले गेट पे जाएंगे वैसे ही ग्रैंडपा में मार देगा शायद से। पर चलो भाई आज तक इंट्रो मैंने भी नहीं देखा है। चलो अभी हम आगे चले। उत्तर की ओई, ये क्या कांड है भाई। ब्रिज क्रैंक तो यहाँ से निकालना पड़ता है, और अभी पीछे की सर निकाला दी तो ये कैसे भाई, ये क्या हो रहा है भाई। मैं यहाँ पर आया डोर पे आया। ग्रैंडपा छोड़ दो यार, प्लीज। ओ भाई ये कैसा इंट्रो था, डर लग गया भाई। चलो गाइस छोड़ो, अभी हमारा डे 1 तो स्टार्ट हो चुका है, पर अब हमारा असली गेम स्टार्ट हुआ है, वो तो कटसीन था। और देखो ये रहा लॉक पिक, और देखो इसको होल्ड करना है। ठीक है गाइस, अभी मैंने ये डोर भी खोल लिया लॉक पिक से, और अब जल्दी से नीचे भी चल के चेक करते हैं। और गाइस देखो यहाँ पर ये जो मशीन है ना, इसमें शायद हमें चाहिए एक कॉइन चाहिए हमें इसके अंदर लगाने के लिए, ताकि हमें एक टिकट दे। और देखो ये रोबोट ऐसा है, जिसके पास टिकट होगी है उसको कुछ नहीं करेगा, पर जिसके पास टिकट नहीं होगी उसको देख के शोर मचाएगा और ग्रैनी ग्रैंडपा को बुलाएगा। और देखो अभी घंटी भी बजी मेरे डोर खोलने से, तो भाई ग्रैनी तो डेफिनेटली आएगी ही। हम अभी चलते हैं यहाँ पर, देखो प्लैंक भी मिल चुका है हमें तो, और अभी देखते हैं ग्रैनी कब तक आएगी और फिर मैं कब भाग जाऊँगा। और भाई फिलहाल तो पहले यहाँ पर साउंड भी क्रिएट कर देता हूँ, ताकि ग्रैनी इस साइड पर आ जाए। चलो मैं आगे की साइड चलता हूँ। और भाई देखो ग्रैंडपा अभी ऊपर की साइड गया है, यानी कि गाइस अभी ग्रैनी अगर पीछे है, हाँ देखो ये पीछे ही है, यानी कि अब हमें आगे सावधानी से जाना होगा। देखो अब ग्रैनी भी साउंड सुन के आ रही होगी, तब तक भाई मैं जैसे तैसे ऊपर भाग जाता हूँ। और भाई अभी ग्रैंडपा भी तो हो गया और ऊपर, भाई मेरे को जहाज से रहना पड़ेगा। और गाइस ये प्लाग तो शायद सेकंड फ्लोर पे कहीं लगता है, इसको भी लगा दूंगा। पहले देखो यहाँ पर ये दो ड्रॉर्स है, पहले तो इनको चेक करो भाई, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। चलो गाइस अभी मैं यहाँ पर प्लैंक से साउंड कर देता हूँ सीढ़ियों के सामने, और मैं किचन भी चेक करता हूँ, ताकि ग्रैनी किचन की साइड आके मेरे को परेशान ना करे। यहाँ पर तो गाइस अभी तक ग्रैनी ग्रैंडपा में से कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ के दोनों गेट बंद है, ये एक बाहर वाला और एक ये अंदर किचन में आने वाला। तो भाई यानी कि अभी यहाँ पर तो ग्रैंडपा नहीं आया है और ना ही ग्रैनी। तो ठीक है देखो यहाँ पर फायर वुड है, इसको फायर पिट में लगा रहा है, वो मैं लगा दूंगा भाई। कुछ तो मिल, कुछ रखा ही नहीं है। देखो ये रहा वेपन की, मिल गई गाइस। अब देखो मैं यहाँ पर पहले साउंड करता हूँ, और अब मैं जल्दी से तब तक लिफ्ट में ऊपर भाग जाऊँ, ताकि मेरे को ये दोनों दिक्कत ना दे ग्रैनी और ग्रैंडपा। चलो जल्दी से तभी मिलता हूँ गाइस। अभी मैं ऊपर की साइड तो आ चुका हूँ, और भाई अभी देखो यहाँ पर भी दो कैबिनेट है, और भाई इनको भी चेक करता हूँ। और भाई मेरे को डर भी लग रहा है कि सामने से ग्रैंडपा ग्रैनी आ जाएगी तो मैं मर सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों का कोई भरोसा नहीं है, पर फिर भी मैं रिस्क ले लेता हूँ। चलो ये गेट खोल दिया, यहाँ पर कोई नहीं है। चलो जल्दी से सामने वाले रूम में, शायद ग्रैंडपा है क्योंकि वहाँ का डोर खुला है और मैं अभी तक वहाँ पर गया हूँ। हैं ग्रैंडपा गेट ही खोल के चला गया अपने रूम का, ये कैसी बात है भाई, ये क्या बात है। चलो भाई अब हम क्या कर सकते हैं, छोड़ो ना, हमें तो अपना स्लिंग शॉट मिल गया जिससे हम इनको लिटा देंगे। पैडलॉक की भी है यहाँ पर, ठीक है। और भाई पैडलॉक की तो हम अभी उठा लेंगे, पहले तो जल्दी से लिफ्ट से नीचे चलते हैं और स्टोन्स कलेक्ट करके इस ग्रैनी का और ग्रैंडपा का खात्मा करते हैं। चलो मैं नीचे सीधा मैंने जंप कर दिया, और जल्दी से बाहर चलते हैं। अरे यार भाई अभी लॉक पिक से ओपन करना पड़ेगा, चलो छोड़ो मैंने ओपन कर लिया। और भाई अभी जल्दी से स्टोन्स ढूंढते हैं जल्दी से। गाइस देखो पहला स्टोन तो मेरे को मिल चुका है, और अब दूसरा स्टोन कहाँ पर है भाई, दूसरा स्टोन। गाइस ये स्टोन कहाँ पर है, देखो बुढ़ा तो हो रहा, और इस बुढ़े ने मेरे को देख भी लिया, बहुत अच्छी बात है।
गुड्डे मैं कवर ले लूंगा, मैं मेरे तो कुछ नहीं कर सकता। शॉटगन दे, शॉटगन शॉटगन बूढ़ा हूँ। अबे शॉटगन दो यार। भाई देखो मेरे को शॉटगन मिल चुकी है, और मैं इस बुड्ढे को कैसे लिटाने वाला हूँ तुम भी देख ही सकते हो। ये बुड्ढा और हाँ देखो बुड्ढा गया। बहुत अच्छी चीज की भाई ये, मैंने बहुत अच्छी चीज पुण्य कर दिया मैंने इन दोनों का। और भाई देखो फिलहाल तो एक प्लैंक उठाते और जल्दी से ऊपर चलते हैं। गाइस अभी देखो मैं ऊपर आ चुका हूँ और मेरे को याद आ गया प्लैंक ये इधर ही लगाना था सेकंड फ्लोर पे। तो चलो भाई अभी और नीचे भी देख के आ जाते हैं। देखो इस वाले रूम में भी देखते हैं पहले। प्लैंक तो हमने लगा दिया है, अब उससे तो हम अभी जा सकते हैं। पहले अब और भी जगह चेक कर लेते हैं ना। देखो यहाँ पर इस वाले ड्रॉर को हमने चेक नहीं किया था, यहाँ पर कुछ नहीं है। और भाई यहाँ पर हमारी पैडलॉक की है। गाइस मैं पैडलॉक की को नीचे लगाने के लिए आ चुका हूँ। और भाई देखो ये रहा वो डोर, और इस रूम में मैं आ चुका हूँ। और जल्दी से इस लॉक को मैं खोल देता हूँ। और अभी मेरे को दो वास भी चाहिए, तो जल्दी से वो भी स्लिंगशॉट से शूट करके लेके आ जाते हैं। पहले तो भाई अभी और भी छानना पड़ेगा भाई। पर भाई अभी ना शॉटगन पहले अपनी सेफ कर लेते हैं, क्योंकि ना फिर उसके बाद अगर हमने सेफ नहीं की ना तो ग्रैंडपा उठा लेता हमारी शॉटगन। पहले तो देखो येरी शॉटगन एमो, इन दोनों को फिर से लिटा देते हैं ज़रा, क्योंकि ये दोनों कुछ ज़्यादा ही बनते हैं ना। स्लिंग शॉट से मैं इतना पहलता हूँ तब कुछ नहीं है, आज शॉटगन से पिटेंगे ना देखना तुम बस। देखो यहाँ पर माचिस है, ठीक है यहाँ पर। अबे कमरा ही फालतू है, अब क्या करूँ। चलो गाइस मैं नीचे आ चुका हूँ और इस विंडो को तोड़ने के लिए, देखो मैंने विंडो को तोड़ लिया है। अब ग्रैनी भी आती होगी, बुड्ढी को भी लिटा देंगे मस्त। पर हाँ उससे पहले हमें अगर यहाँ पर अंदर घुस गए तो कुछ नहीं कर पाएगी वो। देखो मैं आ चुका हूँ, यहाँ पर क्या है, फ्यूज, यस फ्यूजर क्रोबार। अबे शिट ब्रो, बुड्ढी ना आ जाए बस, बुड्ढी ना आ जाए बस, वरना तो भाई सारा काम है। देखो जनरेटर केबल है। चलो भाई अब क्रोबार को किचन में लिफ्ट के पास पहुंचा देते हैं, ताकि हम बाद में इसको ऊपर ले जा सकें। चलो छोड़ो भाई अभी लिफ्ट को भी हम बुला लेते हैं। अरे यार बटन दब जा, जब तक लिफ्ट आ रही है तब तक मैं जरा ग्रानी ग्रैंडपा को संभाल लूंगा। गाइस मैं जरा नीचे जा रहा हूँ अपनी शॉटगन लेने, क्योंकि ग्रानी ग्रैंडपा तो अभी यहाँ पर है नहीं, तो सही मौका है। जनरेटर केबल उठा लेते पहले। चलो मैं जल्दी से भाई इसने अपनी शॉटगन वापस ले ली होगी यार, मैं क्या करूं भाई, बुड्ढा मेरे को बहुत मारता है यार। हाँ भाई मैं इन दोनों को ना छोड़ने वाली हूँ, सीधा फोड़ दूंगा भी मैं इनको। और पहले तो जनरेटर केबल उठाओ, और मैं ना इनको सीधा स्लिंग शॉट से फोड़ दूंगा, स्लिंग शॉट तो है ना। और भाई उससे पहले अभी जनरेटर केबल को जल्दी से शेड पे ड्रॉप करते हैं। देखो ये रहा शेड, और मैंने ड्रॉप भी कर दिया है। और देखो ये मैं वापस आ चुका हूँ, ये रहा मेरा स्लिंग शॉट। बुड्ढा गोली चलाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो गई। और भाई मैं भाग जाता हूँ, दादाजी 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 ये लो खा लो मेरी प्यारी गोली। अब बोल बुड्ढे क्या क्या कह रहे थे श्याणे, ले श्याणे। गाइस इसको तो मैंने इसकी शान पट्टी का सबक दे दिया। और गाइस चलो अभी ग्रानी को भी बुलाते हैं। अरे ग्रानी अब कहाँ गई शान पट्टी, आजा 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 बुड्ढी शान पट्टी दिखाएगी। चलो बुड्ढी दांत है नहीं, ब्रश करती है नहीं। तो गाइस मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, और ये रहा फ्यूज, फ्यूज को भी लगा देते हैं। चलो भाई इस बुड्ढी को हटने तो दो यार। गाइस अभी मैं आप सबसे सीधा ऊपर ही मिलता हूँ। गाइस तो मैं ऊपर आ चुका हूँ, और देखो ये रही फ्यूज की जगह है। और देखो मैंने इसको क्लिक करने की कोशिश की लेकिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं है यहाँ पर। मैंने अपना प्लैंक लगाया था, तो मैं यहाँ पर जा सकता हूँ इस वाले रूम में। क्या है यहाँ पर, ब्रिज क्रैंक, जो किसी काम का नहीं है। मैं नीचे कूद जाता हूँ, और अभी जल्दी से यहाँ पर सिलेंडरीना का टेडी था ना, इसको उठाते हैं और अब रिस्क लेते हैं अपनी लाइफ में। अरे भाई ये रिस्की लाइफ, जल्दी से कूद जाता हूँ। हाँ गाइस मैं यहाँ पर भी आ चुका हूँ ऊपर की साइड, और देखो अबे यहाँ पर मेरे को ड्रॉप करना है स्टडी को। और देखो स्टार्ट हो गया ड्रामा, अ अ अ अ अ अ अ अ गाइस इसका ड्रामा कब खत्म होगा, ड्रामी।
मैं तो नीचे गया हूँ भाई, मैं बाद में उठा लूंगा जो भी इसने दिया है। गाइस अब मैं नीचे भी आ चुका हूँ, उधर मेरा क्रोबार पड़ा है, क्रोबार से एक और बॉक्स है ना इसके घर में शायद से। हाँ हाँ भाई सेलेंड्रिना के रूम में है ना वो, चलो जल्दी से ऊपर। गाइस अब मैं ऊपर भी आ चुका हूँ, देखो ये रहा वो सामने बॉक्स। और भाई अभी जल्दी से चलते हैं और इस बॉक्स को ओपन करते हैं। देखो यहाँ पर कोकोनट है, कोकोनट को हम कट कर सकते हैं। और यहाँ पर सेलेंड्रिना ने क्या दिया था एक बार देख के आ जाते हैं ना ये भी। सेफ की, ओके इसको भी उठा लेते हैं भाई साथ ही साथ। चलो भाई लिफ्ट चल जाए यार, रुक जाओ पहले इसको लेके चला जाऊंगा साथ में। और भाई जल्दी जल्दी मैं नीचे चलता हूँ, नीचे मिलता हूँ। गाइस मैं नीचे आ चुका हूँ और देखो बाहर एक मशीन है कोकोनट को कट करने की, कोकोनट नहीं फ्रूट को कट करने की, जो ग्रैनी चैप्टर 1 में भी थी। तो भाई जल्दी से अब कोकोनट लगाते हैं इसके अंदर और अब कट करते हैं। कॉइन, कॉइन कहाँ मिलेगा, नहीं कॉइन कहाँ पर काम आएगा भाई। भाई भाई मैं इस बुढ़ी को नहीं मारता और मैंने उस बुढ़े को मारा बस, तब भी रुक जाओगा जब मैं बताता हूँ भाई। हाँ अभी बता दूं तेरे को, ग्रानी बस मेरे को एक बार शॉटगन मिलने दे। अरे भाई वैसे शॉटगन तो ग्रांटा के पास होगी, यहाँ पर स्लिंग शॉट है ना, और भाई स्लिंग शॉट से भी तो मार सकते हैं हम इनको। तो भाई क्या दिक्कत है, देखो ये रहा हमारा पहला स्टोन और जल्दी से दूसरा स्टोन भी अब कलेक्ट करते हैं। कहाँ होगा दूसरा स्टोन, अरे भाई गाइस देखो ये रहा हमारा दूसरा स्टोन, बुड्ढा भी आ चुका है। दादाजी छोड़ दो वरना मैं आपको नहीं छोड़ूंगा आज, आपने बहुत ज्यादा भड़क कर दिए। गाइस बुड्ढे से मैंने पीछा छुटा लिया, देखो इधर से जा रहा है और मैं पहले बैठ जाता हूँ। अरे यार इधर मत आइए बुड्ढे, बुड्ढे प्लीज बुड्ढे मेरे बच्चे। हाँ गाइस ये बुड्ढा तो चला गया है, और जल्दी से मैं ये वाला स्टोन भी कलेक्ट करता हूँ और ये वाला स्टोन भी कलेक्ट कर लेता हूँ। कहाँ है, हाँ देखो ये वाला स्टोन भी मैंने कलेक्ट कर लिया है, और अब जल्दी से जरा बुड्ढे को ढूंढ के दे देते हैं, बहुत बुरे वाला। पहले तो बुड्ढे को देंगे, तभी तो बुड्ढे को दिया जाएगा। कहाँ हो तुम सब, तुम्हें आज मैं प्यार दूंगा ढेर सारा, बहुत अच्छा प्यार मिलेगा, इसलिए चुपचाप मेरे पास आ जाओ ठीक है, बिल्कुल चुपचाप। और गैस देखो इधर सेफ की भी है, मैं सेफ में लगा जाऊँ। गैस देखो मैं ऊपर आ चुका हूँ और जल्दी मैं सेफ की को लगा लेता हूँ सेफ के अंदर। बस इधर बुढ़ा बुढ़ी में से कोई हो ना, यहाँ पर मैंने सिलेंडर का टेडी लगा दिया था क्या, हाँ मैं लगा दिया था, उसी से तो मेरे को सेफ की मिली थी। भाई मैं भी भुलक्कड़ हो चुका हूँ यार, चलो भाई उसे छोड़ो। यहाँ पर ग्रानी ग्रैंडपा में से कोई है क्या, नहीं कोई भी नहीं है बाथरूम में अभी। भाई जल्दी जल्दी सेफ सेफ होके सेफ की में सेफ की लगाते हैं भाई। क्या है भाई यहाँ पर, क्या ट्रेन की, एक नंबर भाई। जल्दी से एक बार ट्रेन की को भी लिफ्ट में लेके चलते हैं और भाई और बाकी काम भी निपटा देते हैं अपने। अरे भाई जल्दी जल्दी कूद ही जाता हूँ भाई, क्या जरूरत है, इधर स्लिंग शॉट है ना, बुड्ढी को यहीं से घेर दूंगा देखना। गाइस अभी शायद बुड्ढी तो आ चुकी है यहाँ पर, कहाँ है, आ जाओ दादी मजे आ रहे हैं आजकल जिंदगी में, कैसे हो, ये लो ओहो। गाइस देखो मैंने क्या दिया इस बुड्ढी को बेचारी, अरे यार बेचारी अरे बुड्ढी मरते मरते भी ट्रैप लगाती है, बेशरम औरत। गाइस कितनी बुरी है, चलो अभी मैं नीचे मिलता हूँ आपसे। गाइस अभी मैं नीचे भी आ चुका हूँ और मैंने ट्रेन के यहाँ पर ड्रॉप कर दिया है, और अब मैं वापस ऊपर चलता हूँ जल्दी जल्दी। अरे मेरे पास अब ग्रैंड पा रास्ते में ना हो, हाँ ठीक है नहीं मैं ऊपर ही चलता हूँ। गाइस अभी मैं ऊपर के रास्ते पे तो आ चुका हूँ, और भाई अभी तो फिलहाल यहाँ पर ग्रैनी और ग्रैंडपा में से कोई नहीं दिख रहा है। और भाई जल्दी से वाला कमरे में, भाई तो फालतू है भाई, इधर कुछ नहीं मिलता है और कभी भी। चलो छोड़ो भाई मैं बाहर और अंदर बच्चे की करूँगा भाई, अभी किचन में चल के देखते हैं थोड़ा सा, क्या पता वहाँ पर और कुछ हो। यहाँ पर बस एक मेरा कॉइन और स्लिंग शॉट है, स्लिंग शॉट से मैं शूट कर सकता हूँ ना उन दोनों वासेस को। पहले बस स्टोन इकट्ठे कर लूँगा जल्दी जल्दी। सेकंड स्टोन का है भाई, अरे यार सेकंड स्टोन कहाँ पर है अब, बट हाँ पहले एक बार जल्दी जल्दी फर्स्ट वाले वास को शूट कर। नहीं 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 इधर तो बुढ़ा ही आ गया भाई, ये है ना मेरी अच्छी किस्मत, बुढ़े ये ले ये ले ये ले, ज़रा शॉटगन मेरे को पकड़ा दे दादा, और ये ले तेरा पेट गया भाई आज।
चल छोड़ चल छोड़, मेरे को अभी शूट करना है, मेरे पास है मुड़ी नहीं है। अबे तू तो मेरी मार, तू तो मेरे को मार देगा। अरे गाइस यहाँ पर एक एमो तो पड़ी हुई है बहुत अच्छे। अब बुढ़ा कहाँ गया? हाँ बुढ़ा बोल। हाँ गाइस अब बुढ़े को तो लिटा दिया है, और मेरे को दो एमो चाहिए भाई। वो कहाँ से मिलेंगे भाई, कहाँ से मिल पाएंगी? यहाँ पर होंगी क्या दो एमो? अबे किस्मत क्या अच्छी है भाई, दो एमो मिल गई भाई। ये हुआ ना भाई, ये हुई ना किस्मत। पहले तो भाई ऊपर जो कौवा है उसको भगा देते हैं। एक कौवे भग जाए इधर से। अरे गाइस देख रहे हो, कुछ ज्यादा शान पट्टी दिखा रहा था, अभी मैंने इसको शाना बना दिया। देखो दूसरी एमो भी मैंने गुस्से में छोड़ दी है। और भाई अभी जल्दी से शेड की लेके चलते हैं, शेड की साइड जल्दी से, यहीं से नीचे उतर जाता हूँ भाई। अरे यार जल्दी जल्दी उतर जाऊँ। हाँ गाइस मैं बैठ के उतर चुका हूँ, और बस यहाँ पर ग्रैनी ग्रैंडपा ना आए, बस अब मैं सेफ हूँ गाइस। गाइस अभी मैं शेड पे तो आ चुका हूँ, और यहाँ पर मेरे पास जनरेटर की केबल भी है। पहले ये वाला डोर ओपन करते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेटर है तो ठीक है, एक्सेलरेटर भी अभी काम आने वाला है भाई। पहले इस जनरेटर केबल को लगा दूँ भाई। ये क्या है? अरे यार लग जा। हाँ गाइस लग चुका है हमारा जनरेटर केबल, और इलेक्ट्रिसिटी भी आ चुकी है। गाइस ये क्या हरकत की इस ग्रैनी ने मेरे साथ, इसकी आंखें भी लाल थी। लगता है मैंने इसके कौवे को मारा तभी ऐसा हुआ है। भाई जीत यार, इतना मेहनत किया यार मैंने। चलो यार छोड़ो भाई, अभी ग्रैनी गुस्से में होगी ना भाई। मैंने अभी अभी नोटिस किया कि जब मैंने कौवे को मारा उसके बाद जब हम सेलेंडरीना के टेडी को जब हम पकड़ते हैं ना, तब जो धक धक होती है, कौवे को मारने के बाद वैसी ही धक धक हो रही थी। यानी कि कौवे को भी मारेंगे तब भी ऐसा होगा हमारे साथ। भाई मेरे को लिटरली ऐसा पता भी नहीं था यार। भाई मेरा दिमाग खराब हो चुका है भाई। मेरे को इस घर के लक्षण से नहीं लग रहे, इसलिए जल्दी से यहाँ से भागना चाहिए। पर भाई देखो सामने एक पागल सी बुढ़ी है, पीछे से बुढ़ा आ जाएगा। अब मैं क्या करूँ इस दुनिया में मेरे को भी नहीं पता। मेरी जिंदगी खराब कर दी इन दोनों ने। माचिस है इधर भाई, अगर मैं माचिस से ही कव्वे को भगा लेता तो मेरा क्या जा रहा था। हैं। पर भाई अभी मेरे को इन दोनों पे इतना गुस्सा आ रहा है ना। आ जा बुढ़िया, आ नहीं तो आ, आज मैं तेरे को चुनौती दे रहा हूँ। आ आ अब बोल, अब बोल, अब बोल बुढ़ी बुढ़ी घुसट। चलो गाइस छोड़ो, इसका तो काम तो हम कर दिए, ठिकाने लगा दिए इसको पर पूरी तरीके से नहीं, इसलिए मेरे को अच्छे से पहले ग्रैंडपा को ठिकाने लगाना पड़ेगा, फिर इसकी शॉटगन लेनी पड़ेगी, और फिर एक चीज करनी पड़ेगी बच्चे को। अरे बुढ़े शॉटगन में आमो तो रखा कर बेशरम। गाइस एक तो बुढ़ा आमो नहीं रखता, अब मेरे को आमो लेने अलग से आना पड़ा है। अब जल्दी से जाके पहले तो इस बुढ़ी को उड़ाओ। गाइस बुढ़े तू भी आ जा, तू भी आ जा, प्रसाद है एकदम मस्त वाला, ये ले तू भी। गाइस मैंने अभी इन दोनों की खोपड़ी खोल दी, मेरे को मारेंगे नहीं, मेरे को मार रहे हैं, इतनी हिम्मत। चलो भाई मार दिया भाई। चलो देखते हैं अभी इस डोर को भी ओपन करके यहाँ पर कुछ मिलेगा नहीं। गाइस यहाँ पर दो एमओ है, दो एमओ कलेक्ट करके वास इसको शूट करते हैं। अब भाई हमारी आखिरी उम्मीद है भाई, कहाँ पर है भाई पहला वास? पहले वास को गाइस जल्दी से शूट कर लेते हैं भाई। अरे देखो यार हमारा पहला वास, और जल्दी से इस पर शूट करते हैं। ये अटक गए शायद, वो है शायद से अटका गाइस, ये खराब किस्मत। अरे भाई जल्दी से एक बार इसको शूट करते हैं। अरे भाई अच्छे से एम ही नहीं हो रहा, देखो ये भी गया। और भाई मेरे को ऐसा लगा कि वो अटक गया है भाई। नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, होना भी नहीं चाहिए ऐसा तो। पर भाई अब क्या ही कर सकते हैं यार। चलो भाई अब जल्दी से ऊपर चलते हैं। देखो ये रहा हमारा पहला वास, पर जो हमारा सेकंड वास है शायद वो अटक चुका है। सेकंड वाला वास कहाँ पर है? हाँ ठीक है भाई, नहीं अटका, ऊपर की साइड ही अटक गया था गाइस, ऐसा लगा था एक बार को तो। पर चलो छोड़ो भाई, जल्दी से पहले इसको लिफ्ट में डालते हैं, और इसको भी लिफ्ट में लेके चलते हैं। अरे यार शॉटगन भी चाहिए मेरे को। एक वास दो वास हो गए ठीक है। अरे भाई अब मैं क्या करूं, हे भगवान।
अरे गाइस मैं नीचे आ चुका हूँ और जल्दी से इनको फिल करते हैं पानी से बस इसको, और फिर उसके बाद जल्दी से पानी भर लेते हैं। बस अभी यहाँ पर ग्रानी नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन ये बुढ़ी हमेशा अच्छे काम करने पे ही आती है। गाइस ऐसा लग रहा है कि ये बुढ़ी जा चुकी है, कहाँ पर है? हाय बुढ़ी तो जा चुकी है, मैं जल्दी से पानी ले लेता हूँ। तेरा पानी इट्स फुल, बेटर नॉट टू ड्रॉप। भाई अब ड्रॉप नहीं करना मेरे को इसको, अब मैं शॉटगन भी नहीं उठा सकता, ये तो चैलेंज है भाई। अब मैं क्या करूँ? अबे एक बात गाइस अजीब सी है ना, ये जो मेरा प्लेयर है ड्रॉप करना ही क्या भाई, रख दे एक जगह पे है। गाइस ये पूरा अजीब आदमी बेशरम। चलो भाई छोड़ो, यही हमें निकलवाते हैं तो फिर। अरे यार कहाँ पर है? नहीं भाई नहीं नहीं नहीं, नहीं यहाँ पर कोई नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं। अच्छा यहाँ पर रखना है इस वाले वास को, और गाइस अभी सेकंड वास को भी पानी का भर के लेके आते जल्दी से। बस जल्दी जल्दी चलते हैं और लेके आते हैं। गाइस अभी मैं वापस से किचन की साइड पर आ चुका हूँ, और गाइस अभी फिलहाल तो यहाँ पर कोई नहीं, जल्दी से वास लेते हैं और पानी का भर लेते हैं। और गाइस एक और बात आज मैं आपसे इस वीडियो में पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप कौन से दूसरे गेम की सीरीज चाहते हो। आप में से सबसे ज़्यादा कमेंट जिस गेम के आएंगे मैं वही गेम खेलूँगा, ठीक है गाइस? अभी तो फिलहाल भाई मैं ग्रैनी चैप्टर 3 में, और भाई तुम सब भाई बस वीडियो देख रहे हो, और भाई मैं इन दोनों से बचते हुए भागने की कोशिशें कर रहा हूँ, सर पे डंडे खा रहा हूँ, इतना खून लग रखा है मेरे को। और भाई इस बात पे भाई तुम एक छोटा सा सब्सक्राइब और लाइक तो कर ही सकते हो भाई, तो जल्दी से नीचे एक ब्लैक कलर का सब्सक्राइब का बटन आएगा और एक लाइक का बटन आएगा, उसको दबा देना। और भाई आजकल यूट्यूब पता नहीं क्या ग्लिच हो गया है, उसमें सब्सक्राइब का बटन रेड नहीं बल्कि ब्लैक हो गया है। अगर तुम्हें भी वो ग्लिच देखना है तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, तब तुम्हें पता चलेगा कि सब्सक्राइब भी ब्लैक हो गया। अरे भाई और फिलहाल तो मैं लीवर लगाने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ, और इस रोबोट के बाद सब वो बुढ़ी भागी भागी आएगी। चलो उसे छोड़ो, जल्दी से सारे लीवर्स को ऊपर कर देते हैं। मैंने सबको ऊपर कर दिया और सामने से बुढ़ी भी आ चुकी है। नहीं तो क्या क्या कर लेगी? पकड़ने के लिए ना हिम्मत होनी चाहिए, और वो हिम्मत इंसान में होनी चाहिए। तू तो वैसे ही भूत है और तेरे में तो तब भी हिम्मत नहीं है, शर्म कर ले थोड़ी सी। क्या पकड़ेगी मेरे को? गाइस कुछ भी कर सकती। गाइस देखो ये मैं वेंट में घुस चुका हूँ, और गाइस शायद अभी ग्रैनी भी जा चुकी है। अब मैं भी ऊपर चलता हूँ जल्दी से। गाइस ये बुड्ढा कुछ ज्यादा ही दुश्मनी है क्या सबको मेरे से? अरे यार मैं तो डर गया। हाँ भाई अब क्या कर सकते हैं यार, भाई इतना डर लगता है ना। चलो भाई छोड़ो, अभी जल्दी से नीचे वापस चलते हैं। नहीं नीचे नहीं, अभी ऊपर, अभी और भी ढूंढा ढाढ़ी करनी बाकी है ना भाई। भी वो लीवर मिल गया मेरे को, अब क्या चाहिए भाई? कॉइन लेके आने ना, कॉइन कॉइन कॉइन। हाँ गाइस अब जल्दी से भाग के कॉइन लेके आता हूँ। गाइस अभी मैं इस साइड आ चुका हूँ, और मेरा कॉइन किचन के अंदर था, देखो ये रहा मेरा कॉइन। और अब जल्दी से चलते हैं नीचे की साइड, और ये बुड्ढा पहले आ जाए भे, आ जा आ जा जल्दी, क्या क्या कर लेगा, हिम्मत है? गाइस अभी मेरे को यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा और फिर ऊपर से नीचे, ये बुड्ढे ने जिंदगी खराब कर दी है। चलो छोड़ो भाई, मैं अभी सेकंड फ्लोर पे, नहीं सेकंड नहीं, मैं फर्स्ट फ्लोर पे आ चुका हूँ, और अभी जल्दी से नीचे की साइड चलते हैं वापस से, ताकि ये बुड्ढा मेरे को ना देख पाए। अब मैं अभी ये यहाँ से आ गया भाई, क्या पागल है थोड़ा सा, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये सबकी जिंदगी झंड कर देता है, इसलिए मैं कभी इसके साथ खेलता नहीं हूँ, मैं ग्रैनी के साथ खेलता हूँ। चलो भाई मैं इधर तो आ चुका हूँ नीचे की साइड, बस अब यहाँ पर फिर बुढ़ी ना आ जाए, बुढ़ा तो परेशान कर ही दिए उसने, अब बुढ़ी और आ गया तो मैं पूरा खराब हो जाएगा गेम। भाई भाई छोड़ो, अभी जल्दी से नीचे की साइड चलते हैं और एस्केप अब हो जाएगा हमारा। कॉइन तो मैं वैसे भी लेके आ चुका हूँ, ट्रेड की तो शायद मैंने वहीं पर हाथ ड्रॉप कर दी थी। और भाई इधर ग्रानी है? नहीं भाई इधर ग्रानी नहीं है। कॉइन डालो, इसके क्लिक करो, मेरे पास टिकट है भाई। अभी ऐसे लगा था कि पीछे ग्रैनी आ गई। अरे भाई जल्दी जल्दी, अभी ट्रेन की रहती है भाई। अरे यार भाई कहाँ पर भाई कहाँ पर, ये हाँ एक्सीलरेटर रहता था।
ट्रेन की तो भाई नीचे ही है, तो भाई जल्दी से हम नीचे चलते हैं, एक्सीलरेटर को लगाते हैं और भाई मेरा काम हो जाएगा। अरे अब तो कुछ मत किया भाई, मेरे पास टिकट है भाई, मेरे पास टिकट है मेरे भाई, ट्रेन की दे दो यार कोई। हाँ ये रही ट्रेन की, पर हाँ इसने तो खोल ही दिया भाई। हाँ चलो अभी जल्दी से लगा देते हैं एक्सीलरेटर को। देखो मैंने लगा दिया एक्सीलरेटर और अब मेरे को चाहिए ट्रेन की और अब हमारा एस्केप हो जाएगा भाई। आज तो मज़ा ही आ गया भाई आज के एस्केप में। सारे डोर बंद करो और बाय बाय रोबोट, बाय बाय ग्रानी, कल आऊँगा वापस से। चलो गाइस बाय बाय। तो गाइस आज तो हमने एस्केप कर लिया, ये देखो भाई देखो एस्केप का कटसीन, देखो मैं पीछे आया। आ जाओ जिसको आना है, मरोगे भाई तुम ट्रेन के नीचे हैं। तो गाइस आज तो मैंने एस्केप कर लिया है, अब कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।